राजधानी के आगरा रोड स्थित श्रीनाथ विहार कॉलोनी में क्षेत्रवासियों ने पानी की समस्या को लेकर एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में विधायक रफी खान भी शामिल हुए। क्षेत्रवासियों ने विधायक को कई दिनों से कॉलोनी में आ रही पानी की समस्या से बार बार अवगत करवाया। इस पर विधायक ने मौके पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति सुचारू करने के आदेश दिए। विधायक ने कॉलोनी वासियों को भरोसा भी दिलाया है कि क्षेत्र में पेयजल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जाएगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक रफीक खान ने कहा कि कॉलोनी में पानी की कमी नहीं आने दी जाएगी। सभी कॉलोनी वासियों को समय पर आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस दौरान पीएचडी विभाग के अधिकारी गण और कॉलोनी के क्षेत्रवासी बड़ी तादाद में मौजूद रहे। जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है पानी को लेकर के, वहाँ हमारे क्षेत्र में हमने बहुत पहले से जनवरी से हमने काम करना शुरू कर दिया था, तो हमारे क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो यहाँ एक टंकी पहले समिति की बनी हुई थी, जिसमें कुछ लोगों के आपसी मनमुटाव की वजह से या आपसी सामंजस्य नहीं होने की वजह से वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। तो हमने एक नई कमेटी गठन करके और पब्लिक से ही लोगों को जोड़ के उसके अंदर, और ये तय कर सुनिश्चित कर दिया कि पानी की सप्लाई हम यहाँ इस पॉइंट पे, जो टंकी यहाँ बनी हुई है, इस पॉइंट पे हम जितना पानी इनको चाहिए उतना पानी इसको इनको यहाँ ला के दे देंगे। और हमारी कॉलोनी में पानी की समस्या को लेके एक छोटी सी मीटिंग रखी गई, जिसमें विधायक साहब ने काफ़ी हमें के आश्वासन दिया है कि अच्छे से अच्छे पानी, आपको अच्छी से अच्छे पानी की व्यवस्था की जाएगी और इसमें कोई भी राजनीति नहीं होगी। जैसा कि हम विधायक साहब से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इसमें कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए और हर जाति, हर तबके, हर धर्म के लोगों को या सभी कॉलोनी वासियों को एक बराबर से एक पानी की एक सुविधा की जाए। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और कोई राजनीति नहीं।